Hi everyone, my name is Ankita Mhandiyar and I am Onco Nutritionist at zenonco.io. Today, आज हम बात करेंगे कि हार्ट हेल्दी कैसे रखना है ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट. आप सभी लोग जानते हैं कि हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का. एंड जब कैंसर ट्रीटमेंट चलता है जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड इवन आफ्टर सर्जरी, तो हार्ट इज बीन अफेक्टेड द मोस्ट. सो आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम अपनी हार्ट हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करें. सो देर आर सर्टेन फूड्स, बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो कि हमको खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि हमको फॉलो करना चाहिए. मैंने देखा यूजुअली पेशेंट्स काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं कि हम क्या खाएं, क्या अवॉइड करें, कैसे फॉलो करें. सो आज हम उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे. सबसे पहले एक्चुअली जब हम कैंसर के बारे में सुनते हैं तो एक शॉक लगता है कि क्या हो गया, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे सब कुछ होगा. तो हमको सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना चाहिए कि हम कर लेंगे, वील फाइट इट बैक. तो अगर आपका वो एटीट्यूड है तो आप हर चीज़ से इजीली मैनेज कर लेंगे. सो सबसे पहले हमको एक स्माइल के साथ पॉजिटिवली उस चीज़ को फाइट बैक करना है. सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूजुअली मैंने देखा है पेशेंट्स को जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट, वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वीक फील करते हैं. तो अपने आप को हमेशा, एक तो जब आप पॉजिटिविटी से फिल रहते हैं तो आप अपने आप को ये फील कराइए कि आप ठीक हो जाएंगे. जब आप ये फील करेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका एक तो पॉजिटिवनेस बढ़ेगी और आप थोड़ी सी चीज़ों को करने के लिए हौसला जुटा पाएंगे. सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना है और थोड़ा थोड़ा करके एक्सरसाइज, जैसे कि वॉकिंग करना है 5 मिनट से स्टार्ट करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, अपने आप को काम डाउन करना है, रिलैक्स करना है. क्योंकि हार्ट में जब आप स्ट्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में रहते हैं, तो वो कभी भी आप कोई डिसीजन या कोई काम ठीक से नहीं कर पाएंगे. सो मेरा ये आपको एडवाइस है कि अपने आप को रिलैक्स करना है, काम डाउन करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, मेडिसिन टाइम पे लेनी है, फूड जो भी ईटिंग हैबिट्स है उसको प्रॉपरली फॉलो करना है. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना है, जो कि लोग यूजुअली भूल जाते हैं. समर्स में तो आप लोग यूजुअली पानी पी लेते हैं बट विंटर्स में भूल जाते हैं. मेरे पास आज भी पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैम पानी पीना भूल गए या याद नहीं रहा या ठंड हो रही है तो नहीं पी रहे. बट आप लोग एक अलार्म सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में कि मुझे हर आधे घंटे में पानी पीना है, या मोबाइल में एक रिमाइंडर डाल सकते हैं मोबाइल पे या ऐप पे, या एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आप, उसमें आपको रिमाइंडर आता रहेगा कि आपको हर हाफ एन आवर में पानी पीना है, ताकि आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते रहें. फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपनी डाइट से जो कि सोडियम रिच फूड्स हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स हो गए, पापड़ हो गया, चटनी हो गया जो कि हाई सॉल्ट वाले होते हैं, नमकीन्स हो गए, ये बिस्किट्स हो गए, बेक्ड आइटम्स हो गए, उन सबको टोटली नो करना है. आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर आपकी डाइट में हाई सॉल्ट है तो डेफिनेटली वो आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा एंड विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ. सो आई वुड सजेस्ट कि आपको पता ही है तो इन सब चीजों को टोटली अ बिग नो टिल द टाइम द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन एंड अवॉइड इट टोटली अ बिग नो. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बाहर की चीजें, बाहर से जो भी हाई सॉल्टी फूड्स हैं या बाहर का खाना टोटली अवॉइड करना है. उसकी जगह पे आप घर पे ही बना के हेल्दी स्नैक्स, जैसे स्प्राउट्स चाट है, चना चाट है, बॉइल्ड चाट है, स्प्राउट्स चाट है, ये सारी चीज़ें आप घर पे ही बना करके खा सकते हैं विच आर वेरी हेल्दी एंड एट द सेम टाइम दे आर वेरी टेस्टी ऑल्सो. सो हमारी उसके लिए आप रेसिपी पे हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं. दे आर वेरी टेस्टी एंड रेडिली अवेलेबल, आप जल्दी से बना भी सकते हैं कम टाइम पे. सो वो आपको बहुत ही डिलीशियस लगती हैं, न्यूट्रिशन डेंस भी होती हैं. एंड उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी डाइट में खूब सारे फ्रूट्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स रिच होते हैं, वो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें. जैसे कि जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, पपाया,
सिट्रस फ्रूट्स जो कि विटामिन सी रिच होते हैं, सो वो सारे फ्रूट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है. देन आई वुड सजेस्ट कि एंटीऑक्सीडेंट रिच कलर्ड फ्लेवोनॉइड्स पॉलीफेनॉल्स फ्रूट्स बेरीज स्ट्रॉबेरीज जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छे हैं, ब्रोकली टमेटोज बेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, रसबेरीज हैं, ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें. सो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो आप सभी जानते हैं, फैट्स. सो फैट से मेरा मतलब है टोटली आपको अवॉइड करना चाहिए सैचुरेटेड फैट्स, जैसे आता है बटर जिसमें होता है ट्रांस फैट्स, ये सारी चीजें आप टोटली अवॉइड करें. वनस्पति और डालडा ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. आप हेल्दी फैट जरूर ले सकते हैं जिसमें आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जैसे फ्लेक्सीड्स हो गया, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. सो ट्राई किया फ्लेक्सीड्स, वॉलनट्स, आलमंड्स ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में, या फिर मस्टर्ड ऑयल, ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें विच इज हेल्दी एंड गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ ऑल्सो. सो अगर आप ये सब चीजें लेते हैं तो वो आपकी हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. अगर आप ये लेंगे ड्यूरिंग द कैंसर ट्रीटमेंट एंड इवन आफ्टर दैट ऑल्सो, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपकी हार्ट हेल्थ को भी एनरिच करेगा. सो डू नॉट फॉरगेट टू टेक ओमेगा 3 इन योर डाइट एंड विच इज एटलीस्ट हेल्दी एंड विल हेल्प, आगे भी हेल्प करता रहेगा. सो आज हमने बात करी हार्ट हेल्थ के ऊपर एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी और टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ. बाय. थैंक यू.